सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वेश्चन फोर्थ। चौथे क्वेश्चन में स्वागत है आपका। सो द फोर्थ क्वेश्चन वाज दैट द कम्युनलिज्म अराइजेज ईदर ड्यू टू द पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन, आर्गू बाय गिविंग सूटेबल इलस्ट्रेशंस। ठीक है, 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया था। देखिए, बहुत कम चांसेस रह गए हैं कि आजकल इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएं, दैट व्हाट इज़ कम्युनलिज्म, हाउ कम्युनलिज्म इज़ हार्मफुल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाते हैं आजकल। आजकल दे आर आस्किंग मोर एंड मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, दैट द कम्युनलिज्म इट अराइजेज ड्यू टू द पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन। पावर स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? जब कोई एक ग्रुप इकोनॉमिक वेल्थ लेना चाहता है, पॉलिटिकल वेल्थ लेना चाहता है, या फिर आपके पास सोशल लेजिटिमेसी लेना चाहता है। ठीक है, तो उसके कारण जो आपके पास कम्युनलिज्म है वो ज़्यादा, उसके कारण वो जो कम्युनलिज्म है वो पैदा होता है। ठीक है, इसी को आपने अपने आर्गुमेंट्स देने हैं, आपने इसी की एग्जाम्पल्स देनी हैं और एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, ये आपके पास बिपिन चंद्रा जो थी, या फिर आप इसको पुरानी एनसीईआरटी कह लो, उसमें ये जो डेफिनेशन है वो दी हुई है, दैट कम्युनलिज्म इज अ बिलीफ दैट बिकॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन दे हैव अ रिजल्ट कॉमन सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अगर एक ग्रुप एक किसी भी एक रिलीजन को फॉलो करता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हिंदूज, हिंदूज अगर ये बिलीव करना स्टार्ट कर दें कि उनका एक ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है, कि उनके सारे के सारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो भी सेम है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी सेम है, और उनके जो सोशल इंटरेस्ट हैं वो भी सेम है, सो इट डेवलप्स दी कम्युनलिज्म। ये कम्युनलिज्म को डेवलपमेंट देता है, ये कम्युनलिज्म को हवा देता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो हिंदूज हैं वो कहते हैं सिंस जो हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो सेम हैं, जो मुस्लिम्स हैं उनके हमसे बिल्कुल अलग हैं, तो ये अलग हुए, हम अलग हुए। फिर धीरे धीरे ये बातें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब आपके पास ये जो रॉयड्स का शेप लेते हैं, तब आपके पास एक जो ग्रुप है वो ये कहना स्टार्ट कर देता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इनके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, इस तरह से जो कम्युनिज्म का डेवलपमेंट है वो होता है। सबसे पहला जो स्टेज है वो ये है कि जब एक ग्रुप में ये धारणा बन जाती है कि उनके जो सोशल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो सेम है, कि वो बस एक ही चीज़ चाहते हैं, सभी एक ही पार्टी को वोट करते हैं, सभी का जो सोशल एजेंडा है वो भी एक है, इकोनॉमिक एजेंडा है वो भी एक है, फिर उसके बाद वो कहना स्टार्ट कर देते हैं कि जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, जो बाकी ग्रुप्स हैं वो हमसे अलग हैं। तीसरी स्टेज में वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि जो बाकी ग्रुप्स हैं वो हमारे विपरीत हैं। ठीक है, जब ये विपरीतात्मक जो ये तीसरी स्टेज के ऊपर पहुंचती हैं बातें, देन इट स्टार्ट्स रॉइट्स, फिर ये रॉइट स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये जो कम्युनलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म है वो आपके सामने आ जाता है। ठीक है, सो कम्युनलिज्म इट इज अ मॉडर्न फिनोमिना। ठीक है, अब हमें धीरे धीरे क्वेश्चन के ऊपर आना है। सो कम्युनलिज्म इट इज अ मॉडर्न फिनोमिना, इट्स फंडामेंटल कॉजेज, इसके फंडामेंटल कॉजेज क्या हैं भाई? कंपटीशन, क्योंकि पॉलिटिकल पावर एक ही है, एक ही पार्टी या फिर एक ही आपके पास कोलिशन वो सत्ता में रह सकती है। गवर्नमेंट जॉब्स, यू हैव लिमिटेड सीट्स, सिमिलरली यू हैव लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, तो अब क्योंकि ग्रुप अपने आप को एक तरह का मान रहा था, ओके, जो एक रिलीजियस ग्रुप है वो अपने आप को एक मान रहा था, क्योंकि अब आपके पास कंपटीशन शुरू हो गया, तो जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, लेट से जो आपके पास एक ग्रुप है G1 और G2, बिकॉज ये कंपटीशन लड़ रहे थे, तो
तो G1 G2 को अपना कंपिटिटर मानेगा, प्रतिद्वंदी मानेगा, अपने से ऑपोजिट मानना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और यहां पे ही आपके पास आते हैं पॉलिटिशियंस, दे ट्राई टू एक्सप्लॉयट दिस कंपिटिशन, वही इस कंपिटिशन को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये क्या हैं, दीज आर द इंटरेस्ट ग्रुप्स, इनको वोट्स चाहिए, वोट्स ये कैसे भी ले लेते हैं। अब इसी कंपटीशन को, इसी जो विपरीतात्मक जो विचार की भावना है उसको ये एक्सप्लॉयट करेंगे, ठीक है। और इसी चीज़ को ये एक्सप्लॉयट करके जो अपना इंटरेस्ट है वो निकालते हैं। सो रिलीजन इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल कॉज, ठीक है, बट इस रिलीजन की जो भावना है इसको मोबिलाइज किया जाता है बाय सम पॉलिटिकल और बाय सम इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल भिवंडी कम्युनल राइट्स, भिवंडी महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये सेंटर था पावर लूम इंडस्ट्री का, इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास डोमिनेंट ओनरशिप और लेबर थी, ठीक है। बट सिंस जो आपके पास मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके पास दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द रिसोर्सेज, सो इसमें कम्युनलिज्म डेवलप हो गया। पॉलिटिशियंस आए, इंटरेस्ट ग्रुप्स आए, अपने इंटरेस्ट के कारण, अपने इंटरेस्ट के चलते उन्होंने इस चीज़ को, ये जो कंपटीशन हो रहा था उसको एक्सप्लॉयट किया, एंड इट रिजल्टेड इनटू अ मेजर राइट्स इन 1970। ओके, सो द प्रोग्रेस ऑफ वन कम्युनिटी इज व्यूड विद द अनप्लेजेंटनेस और द इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ द ऑपोजिट साइड, ठीक है। और इससे ही आपका जो है कम्युनल चार्ट एटमॉस्फियर बनना शुरू हो जाता है। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स आते हैं जैसे कि पहले समझाया, और वही जो है वो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यू हैव गिवन योर आर्गूमेंट, अपने आपने आपका जो आर्गूमेंट है वो आपने दे दिया, विद योर आर्गूमेंट यू हैव गिवन एन एग्जाम्पल, आपने जो एग्जाम्पल है वो दे दी, ठीक है। नाउ इट्स अ कंक्लूजन टाइम, अब आपको कंक्लूजन देना। इन कंक्लूजन सिंस दिस इज एन इशू बेस्ड क्वेश्चन, ट्राई टू गिव योर ओपिनियन प्लस अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन देने की कोशिश कीजिए इसी में। सो राइजिंग ट्रेंड ऑफ द कम्युनलिज्म, ये नेशनल इंटीग्रिटी के लिए एक खतरा है, ठीक है। तो इसके लिए एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, इसी इसके लिए आपके पास हेट स्पीच को प्रोहिबिट करते हुए लॉज बनाने चाहिए, ठीक है, जो आपके पास बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो सोशल फैब्रिक्स हैं और जो ये कम्युनलिज्म का ईविल है इसको चेक किया जा सके। सो दिस इज योर ओपिनियन, विद एन ओपिनियन यू हैव ऑल्सो गिवन योर सोल्यूशन, ठीक है। तो आपने जो सोल्यूशन है वो दे दिए। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एड्रेस योर डाउट, योर क्वेरी एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।